पाव भाजी इंडिया की एक ऐसी डिश है जिसको हम हर मौसम में चटकारे ले लेकर खाते हैं, पर सर्दियों में तो इस गर्मा गर्म पाव भाजी का मजा ही कुछ और है। ये स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी जितनी देखने में अच्छी है, उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी है। मैंने इसमें कोई भी फूड कलर का यूज नहीं किया है, फिर भी ये देखने में काफी अच्छी लग रही है। आज मैं आपके साथ मुंबई स्टाइल पाव भाजी की क्विक एंड इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना इंडिया का। तो चलिए देखते हैं इस बटरी पाव भाजी को कैसे बनाया जाता है। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने 4 गाजर ली हैं, इनको काट लिया है, और 2 आलू लिए हैं, इनको भी चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा कद्दू, थोड़ी सी गोभी, आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। 1 कप मटर ली है, ये फ्रेश मटर है, अगर फ्रोजन मटर ले रहे हैं आप तो उसको उबालने की जरूरत नहीं है। और 3 टमाटर हैं और 2 हरी मिर्च हैं। इन सब्जियों को हम पहले बॉईल करेंगे। सब्जी को उबालने के लिए मैंने एक कुकर लिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा भुन गया है, अब 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे। टमाटर डाल देंगे कटे हुए, गाजर डाल देंगे, गोभी, आलू और ये कद्दू। सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। और ये मटर के दाने डाल देंगे। अगर आप फ्रोजन मटर ले रहे हैं तो उसको आप बॉईल ना करें। नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। नमक को सब्जियों में मिला देंगे। पानी डाल देंगे, 2 कप मैंने पानी डाला है सब्जियों में, और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। आप सब्जियों को 1-2 विसिल आने तक पकाएंगे। जब 1 विसिल आ जाएगी तो थोड़ी देर के लिए हम गैस को कम कर देंगे, उसके बाद 2 मिनट और पकाएंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। भाजी को फ्राई करने के लिए मैंने 3 बड़े साइज की प्याज को छोटा छोटा चॉप कर लिया है, 1 शिमला मिर्च को चॉप किया है और 2 टमाटर लिए हैं। अगर आप खट्टा कम पसंद करते हैं तो आप टमाटर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने उबलते में भी टमाटर डाले हैं। 6-7 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लिया है। सब्जियां हमारी जब तक उबल रही हैं हम इनको फ्राई कर लेंगे। भाजी को फ्राई करने के लिए मैंने 1 बड़े साइज की कढ़ाई ली है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच बटर डालेंगे। ऑयल हमने इसलिए डाला है कि बटर जले ना। 1 किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, अदरक लहसुन भुन चुका है, प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम फ्राई कर लेंगे, प्याज भुन चुकी है। इसमें हम कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 बड़े चम्मच, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। पाव भाजी मसाला डालेंगे 2 चम्मच, अच्छे से भून लेंगे मसाले को। अब ये कैप्सिकम और टमाटो भी डाल देंगे, मिला देंगे और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। ऐसा नमक डाल देंगे इसमें, और बाकी नमक हमने उबलते में भी डाला था इसलिए थोड़ा कम डालेंगे। अब ये प्याज टमाटर को ढककर हम पका लेंगे, ढक्कन से ढक देंगे, 3-4 मिनट इसको कुक करेंगे, और जब तक हम देख लेंगे कि सब्जियां हमारी उबल चुकी हैं या नहीं। सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं, ये सॉफ्ट हो गई हैं। हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे सब्जियों को कुकर में ही। ऐसे कुकर में मैश करने से थोड़ा इजी रहता है, कढ़ाई में मैश करने में थोड़ी मेहनत लगती है। मैंने ये रई ले ली, आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं। प्याज टमाटर को चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2 मिनट और कुक कर लेंगे। सब्जियों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं सब्जियां अच्छे से मैश हो गई हैं। टमाटर और कैप्सिकम सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम उबली हुई सब्जियां डाल देंगे, मिला देंगे सब्जियों को मसाले में अच्छे से। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अगर आप और ज्यादा मैश की हुई सब्जियां पसंद करते हैं तो आप इसको और मैश कर लें कढ़ाई में थोड़ा सा। अब भाजी को 4-5 मिनट और उबलने देंगे लो फ्लेम पर। भाजी को उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये बन चुकी है, तैयार हो गई है।
इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है एकदम। भाजी ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा इसमें बटर और डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स कर देंगे। आधा नींबू निचोड़ रही हूँ मैं इसमें, ये स्ट्रीट स्टाइल भाजी बनकर तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे हम। अब पाव सेकेंगे हम। पाव सेकने के लिए मैंने ये दो पाव लिए, इसको ऐसे कट कर लेंगे। तवे पर एक टेबल स्पून बटर डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और पाव में भाजी का फ्लेवर लाने के लिए थोड़ी सी इसमें भाजी डालेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है। अब ये पाव इस पर लगाकर दोनों साइड से सेक लेंगे। पाव सिक चुके हैं, अब हम पाव को भाजी के साथ सर्व करेंगे। ये गर्मा गर्म पाव है जी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनी है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, कोई भी हमने फूड कलर इसमें नहीं डाला है और ये बहुत ही टेस्टी भी है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, भाजी में थोड़ा सा बटर और डाल देंगे और भाजी के साथ गर्मा गर्म पाव भी सर्व करेंगे। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कितनी टेस्टी बनी है। वाह, एक बार आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर मुझे बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।